सीमांचल के जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में बहने वाली नदियां महानंदा, कनकई, बकरा, परमान एवं डोक इत्यादि नदियों के लगातार कटाव से आजा, अर्जुन भीटा, डमराहा, हजरिया, सादीपुर, सिमलबारी, नंगराटोला, महेश बतना, निसंदरा, चनकी एवं ताराबारी सहित हजारों गांवों में भीषण कटाव हुआ है और अब भी कटाव जारी है। लगातार कटाव के कारण कई सरकारी भवन, विद्यालय एवं पक्की सड़क नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। अतः उपरोक्त स्थानों पर ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, समय चाहिए, कल इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, अब क्या सुनाइएगा। हाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देना प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है, तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में दो सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं, वो है मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे, और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। सर, अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया। नहीं सर, नहीं सर, सर सर एक सर एक पूरक सर, सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम सर 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 एक मिनट सर सर, पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला ये है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर सर एक मिनट सर, टेक्निकल मामला सर सर टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल क्या एमए किया, तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप तो इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फाजिल को डिग्री दी। श्री अजीत कुमार सिंह, महोदय अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था, बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे, तो सीधे बात न करनी चाहिए। श्री अजीत, अब बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाएं, दूसरे की भी चिंता करें।